घरे गल रहे खटिया बैठल रहे एक जने आए यहाँ से घूमे वहाँ से घूमे वहाँ कान्हे पे लाठी रखे रहे तो ओकरे बाद हम डराई गए हम कहे कहो भैया के मालिक हो तोरे घरे कहन सवेरे तक तो बाबू रहन इतनी बेला उन्हें उठाए के दे मारे तब से हम ही है। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ पत्नी कुछ न कुछ हिदायतें देते रहती है मुझे अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास आई और बोली सुनो जी। मैंने कहा कहो जी। बोले आप अच्छे कवि हो, कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को हंसाते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो कभी हास्य दिखता ही नहीं, कभी हास्य दिखता ही नहीं, 12 बजे रहते आप हंसते रहा करो। आपको नहीं मालूम जो जो हंसे उनके उनके घर बसे, जो जो हंसे उनके उनके घर बसे। मैंने उससे कहा डार्लिंग तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, जो जो हंसे उनके उनके घर बसे, लेकिन एक बात बता जिन जिन के घर बसे वो बाद में कितने हंसे। घरे गल रहे खटिया बैठल रहे एक जने आए यहाँ से घूमे वहाँ से घूमे वहाँ कान्हे पे लाठी रखे रहे तो ओकरे बाद हम डराई गए हम कहे कहो भैया के मालिक हो तोरे घरे कहन सवेरे तक तो बाबू रहन इतनी बेला उन्हें उठाए के दे मारे तब से हम ही है। हमने यहाँ तो बहुत अबे घरे गल रहे एक लड़का से हम पूछे कहो भैया क्रेडिट कार्ड का मतलब जानल कहे नहीं हम कहे एक छोट के चीज होला ले कि चल जा चाहे जो उन्हें दुकानी दिखाई देवे बम्बई में फोकट में सामान मिल जाए। अच्छा कहे अच्छा बम्बई में क्रेडिट कार्ड कहते हैं कहा वो छोटकी चीजिया के बनारस में रिवाल्वर कहते हैं। बढ़िया वाह वाह बहुत अच्छे। हमारे यहाँ जे होते डायरेक्टर एक्शन ले ला। बनारस गल है कविता सुना के आए घरे बैठल एक जने फोन आयल कहन कहो भैया तो ही कविता सुनावत रहला हम कहे हाँ वही सुनावत रहे कहन जौन फोन वहाँ हाथ में ले मुँह में नाइक सूझ जाए। हम टेंशन में आई गए हम कहे ये फोन हम में एक्शन करे कहा पुलिस स्टेशन में फोन करे पुलिस वाला उठाए हम कहे कहो भैया हमें एक फोन आल हो कहन का कहेस हम कहे कि मुहुआ में फोन ठूस के सूत जा तो पुलिस वाला पूछे कितना टाइम हो गया हम कहे आधा घंटा हो गया कहे साहब निकाल ले नहीं मर जा। कविता सुनावा था चुनाव के ऊपर कि झूम झूम के हाथी नाचे सबकर भैंस बा पानी में और गीदड़ बनी है सिंह मुलायम मायावती उठानी में क्या बात और सौ सौ दुशासन के बीचे नारी खड़ी दहाड़ के और देखा चींटी पटके चली बा कितने बड़े पहाड़ के साइकिल लग जाई घूरे घारे हाथी बा राजधानी में और गीदड़ बनी है सिंह मुलायम मायावती उठानी में और छाती पीट के रोए अब की अमर सिंह सरदार छाती पीट के रोए अब की अमर सिंह सरदार अपने मन में कहे बिलक के अब जीना बेकार। क्या बात है। और राहुल भी सिर थाम के सोचे हम हूँ फंसे नदानी में गीदड़ बनी है सिंह मुलायम मायावती उठानी में चाहे गांव न पावे भाइयों मले बदे के सुरती लेकिन हर कोना में देखा है रावत के मूर्ति चाहे गांव न पावे भाइयों मले बदे के सुरती लेकिन हर कोना में देखा है रावत के मूर्ति और गली गली में बोली लाठी गोली चली शिवानी में गीदड़ बनी है सिंह मुलायम मायावती उठानी में गाल पीट के जितने पट्ठे करत रहे ललकार एक कुमारी ऐसन मारी हुई है बट्टा ढार मूछ ऊपर गई कुल बीरन के देवका लगा जवानी में गीदड़ बनी है सिंह मुलायम मायावती उठानी में। क्या बात है बहुत बढ़िया। अपने घर की बात करता हूँ क्योंकि मैं तो पत्नी पीड़ित हूँ और अपने घर की बात करते रहता हूँ हमेशा। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ पत्नी कुछ न कुछ हिदायतें देती रहती है मुझे अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास आई और बोली सुनो जी। मैंने कहा कहो जी। बोले आप अच्छे कवि हो कवि सम्मेलन में जाते हो लोगों को हंसाते हो लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो कभी हास्य दिखता ही नहीं कभी हास्य दिखता ही नहीं 12 बजे रहते आप हंसते रहा करो। आपको नहीं मालूम जो जो हंसे उनके उनके घर बसे जो जो हंसे उनके उनके घर बसे। मैंने उससे कहा डार्लिंग तुम्हारी बात बिल्कुल सही है जो जो हंसे उनके उनके घर बसे लेकिन एक बात बता जिन जिन के घर बसे वो बाद में कितने हंसे। ऐसी सब बातें करते रहते हैं मुझे हमेशा छेड़ते रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले महाशिवरात्रि के दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली सुनो जी। मैंने कहा कहो जी। बोले अपन महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। मैंने कहा इस दिन शिव जी की शादी हुई थी। वो बोली गलत इस दिन शिव जी ने जहर पिया था। तो मैंने उससे कहा अरे तुझको समझा सकूं ये मेरी क्या औकात है जहर पियो या शादी करो एक ही तो बात है।
इसी तरीके से मेरे संवाद चलते रहते हैं, मुझे छेड़ते रहती है। एक रोज तो मेरे पास आई, मेरी पत्नी बड़ी भोली, अपन अपनी घर की बात करते हैं, मेरी पत्नी बड़ी भोली एक रोज मुझसे बोली, सुनो जी। मैंने कहा, कहो जी। आप अच्छे कवि हो, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाते हो, लोगों को हंसाते हो, लेकिन मुझे तो किसी भी एंगल से कवि नहीं दिखते, किसी भी एंगल से कवि नहीं दिखते। मुझे विश्वास आने के लिए एक रचना मुझ पर क्यों नहीं लिखते। पत्नी की फरमाइश, और कवि ये रिस्क ले सकता है, बोले एक रचना मुझ पर क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले सुन, पत्नी से कविता सुना रहा हूं, ले सुन। तुझे देख मेरी छाती धक धक धड़कती है। अब छाती धड़केंगे, अब दिल थोड़ी बचा उसमें जी। कि तुझे देख मेरी छाती धक धक धड़कती है, तू मुझे अंग्रेजी फिल्म जुरासिक पार्क हीरोइन डायनासोर लगती है। अंग्रेजी फिल्मों के हीरोइन से बराबरी करने पर वो मुस्कुराई, मैंने भी सोची जान बची लाखों पाई, पर दूसरे दिन वापस आई और मुझे इधर उधर काटने लगी। मैंने कहा, देवी ये क्या कर रही हो। वो बोली, तारीफ करते तो बच जाते, अब ये सजा दे रही हूँ। मैं अभी अभी जुरासिक पार्क देख कर आई हूँ, डायनासोर का मजा दे रही हूँ, और अंतिम बात कहना करना चाहता हूँ, एक छोरी मॉडर्न फैशन के दौड़ में इतनी आगे भागी कि सारे चुनाव चिन्ह लगे हुए प्रिंट के कपड़े पहनकर सड़क पे आ गई। मैंने उससे कहा, देवी वैसे तो तुम हीर लगती हो, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर लगती हो, पर भगवान तुम्हें थोड़ी अकल दे, जल्दी घर पे जा और ये कपड़े बदल दे। जल्दी घर पे जा और ये कपड़े बदल दे, अरे इन आदमियों का भरोसा नहीं है, तुझे ही बैलेट पेपर समझ लेंगे और अपने अपने पसंद के चुनाव चिन्ह पे ठप्पा धर देंगे। अरे तू रोवेगी चिल्लावेगी तो भी सब बेकार है, क्यों कि वोट देना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या बात है, बहुत भाई, बहुत बढ़िया।